विकास खंड के ग्राम कुंडा शासकीय हाई स्कूल में आज शनिवार को 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा में किसी प्रकार की नकल का उपयोग नहीं किया गया। उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने पेपर को हल किया। इस परीक्षा केंद्र में डीपी मिश्रा हाई स्कूल कुंडा, उड़ान पब्लिक स्कूल कुंडा, शासकीय हाई स्कूल रामगढ़ और शासकीय हाई स्कूल कुंडा के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र बनवाया गया। साथ ही शासन के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन बखूबी से इस परीक्षा केंद्र में कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र क्रमांक 76-13-57 शासकीय हाई स्कूल कुंडा। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं का चल रहा है। शासन के नियमानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को 9 बजे विद्यालय बुलाया जाता है। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी 9 बजे आते हैं, उनका सैनिटाइज हाथ उनका सैनिटाइज करते हैं, टेम्परेचर उनका हम देख रहे हैं। किसी छात्र का यदि कोई स्वास्थ्य गड़बड़ है तो वो भी उनसे पूछ रहे हैं। और उसके बाद कक्ष में जो है 9:30 बजे उनको पहुँचा देते हैं। 9:45 तक विद्यार्थी कक्ष के अंदर जो है पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमारी 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा केंद्र पर 4 विद्यालय के छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें डीपी मिश्रा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडा, शासकीय हाई स्कूल कुंडा और उड़ान पब्लिक स्कूल और रामगढ़ हाई स्कूल के विद्यार्थी यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। आज सामाजिक विज्ञान के पेपर में 182 छात्र परीक्षा में जो है वो दर्ज हैं, जिसमें से 2 छात्र इसमें अनुपस्थित हैं और विधिवत ये परीक्षा संचालित हो रही है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, कोई बाहरी तत्व का यहाँ पर कोई यानी कोई ऐसा प्रभाव नहीं है और बहुत शांतिपूर्ण तरीकों से परीक्षा संपन्न यहाँ पर हो रही है। BCN न्यूज़ के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।